अफगानिस्तान हो या फिर पाकिस्तान, नेपाल हो या फिर इंग्लैंड, भारत के खिलाफ जो भी आतंकी सिर उठ रहा है वो मारा जा रहा है। आतंकी गतिविधि चलाने वालों या फिर साजिश करने वालों की मौत का सिलसिला अब बढ़ चुका है। आतंकियों की सहरगाह पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी इनकी मौत का फातिहा पढ़ा जाने लगा है, और इस सिलसिले को देखकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI भी अब थर्रा रही है। कराची हो या फिर रावलपिंडी, कब किसके सीने में गोलियां ठोक दी जाएंगी पता ही नहीं चल पा रहा है। कश्मीर में आतंकी फैक्ट्री चलाने वालों से लेकर पंजाब में अलगाववादी आंदोलन चलाने वाले लोग पाकिस्तान से लेकर इंग्लैंड तक मारे जा रहे हैं, और करीब एक दर्जन आतंकी और अलगाववादियों के मौत का घाट उतारा जा चुका है। सवाल यहाँ पर यह बढ़ता है कि इसके पीछे कौन है, क्या भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी या खुद पाकिस्तान? दोनों विश्लेषण आपको करके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आइए आपको मिलाते हैं जो भारत के खिलाफ विदेशों में बैठ साजिश करते थे, वो 6 फीट कब्र में 7 फीट नीचे गड़े हैं या फिर राख कर दिए गए। आतंकी जुहूर मिस्त्री 1999 में IC-814 का अपहरण कर कंधार ले जाने वाला जैश ए मोहम्मद का आतंकी जुहूर मिस्त्री को 1 मार्च को सरेराह मोटरसाइकिल सवारों ने कराची में गोलियों से उड़ा दिया। इस आतंकी ने एक यात्री रुपेन कतियाल का गला रेत कर हत्या कर दी थी। आतंकी सैयद नूर शालोबर, भारत के खिलाफ आतंकी तैयार करने वाले सैयद नूर शालोबर को 4 मार्च को खबर पख्तनख्वा के इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह आतंकी ISI के साथ मिलकर आतंकियों को बेहद खतरनाक प्रशिक्षण देने का काम करता था। आतंकी बशीर मीर हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बशीर मीर उर्फ इम्तियाज आलम को 21 फरवरी में इस्लामाबाद के इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुपवाड़ा का बशीर हिजबुल मुजाहिदीन का एक बॉम्ब एक्सपर्ट था। इसके साथ ही LOC पार कराना और आतंकियों को ट्रेनिंग देने का काम ये संभालता था। आतंकी सैयद खालिद रजा, कराची में आतंकी संगठन अलबद्र का कमांडर सैयद खालिद रजा को 27 फरवरी को गोली मार दी गई। सिंधु देश रिवोल्यूशनरी आर्मी के हमलावरों ने उसके घर के बाहर उसे गोली मारी। खालिद मौत से पहले तक कश्मीर में आतंक फैलाने का काम करता था। आतंकी एजाज अहमद अहमगर, अफगानिस्तान में रह रहे भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधि चला रहे IS के आतंकी एजाज अहमद अहमगर को 22 फरवरी को हत्या कर दी गई। श्रीनगर का रहने वाला आतंकी अहमगर आतंकी समूहों को भारत के खिलाफ जोड़ने का काम करता था, कई आत्मघाती हमलों का मास्टरमाइंड था। खालिस्तानी परमजीत सिंह, लाहौर में आतंकवादी संगठन खालिस्तान कमांडो फोर्स की सरगना परमजीत सिंह पजबड़ को सरेराह गोलियों से भून दिया गया। परमजीत पाकिस्तान में युवाओं के लिए हथियार की ट्रेनिंग की व्यवस्था करता था और प्रमुख लोगों पर हमला करवाने के लिए रसद की आपूर्ति करता था। ड्रग्स की तस्करी में भी उसका हाथ था। खालिस्तानी अवतार सिंह खाड़ा, खालिस्तानी अवतार सिंह खाड़ा को इंग्लैंड में रहस्यमय परिस्थितियों में 16 जून को मौत हो गई। वो एक अस्पताल में भर्ती था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक खाड़ा को जहर देकर मारा गया था। खाड़ा जब तक जिंदा था भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहता था, इसी ने भारतीय उच्चायोग का तिरंगा गिराने का कोशिश किया था। खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर, खालिस्तान टाइगर फोर्स प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर को 19 जून को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के एक गुरुद्वारे के बाहर हत्या कर दी जाती है। 10 लाख का इनामी निज्जर खालिस्तानी आतंकियों के ट्रेड करने का काम करता था। आतंकी रिपुदमन सिंह मलिक, एयर इंडिया के विमान को बम से उड़ाने वाले रिपुदमन सिंह मलिक को 15 जुलाई को कनाडा के वैंकूवर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मलिक की हत्या कार्यालय जाते समय की गई थी और घटनास्थल पर जलती कार बरामद हुई। ये बब्बर खालसा से जुड़ा हुआ था। खालिस्तानी हरविंदर सिंह संधू, पाकिस्तान में खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह संधू उर्फ डिंडा की ड्रग्स की ओवरडोज से मौत हो गई। यह पंजाब मोहाली में पुलिस मुख्यालय पर रॉकेट लॉन्चर्स में हुए हमले में शामिल था, और यह पाया गया था कि संधू मुख्य हमलावर के साथ वीडियो कॉलिंग से जुड़ा हुआ था। 16 आतंकवादी मारे जाते हैं किसी अननोन गनमैन के द्वारा, कुछ को जहर देकर। लिस्ट बहुत लंबी है, पर इन सभी केसेस में आपको 2 बातें कॉमन देखने को मिलेंगी। पहली बात यह कि मरने वाले सभी भारत में टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, और दूसरी बात यह कि इन सबको मारने वालों का कुछ भी पता नहीं चला कि वो कौन थे, कहां से आए थे और कैसे दिखाई देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद राज शुक्ला, और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज कर रही है यह नरसंहार, या पाकिस्तान खुद यह काम कर रही है। भारत के एक सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिशियल ने एक इंटरव्यू में बोला कि इन सब किलिंग के लिए भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज को ब्लेम नहीं करना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स कोई भी एजेंसी होगी वो एक्सेप्ट नहीं करती है कि उसका कोई भी हाथ इस तरह के नरसंहार में है। बट अगर हम भारत के इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात करें तो सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि पिछले 2-3 सालों में भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज की स्ट्रेटजी एकदम से चेंज कैसे हो गई है, और इतने सारे खालिस्तानियों के मारे जाने के बाद भी पंजाब में हंगामा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि PU की रिपोर्ट के अनुसार 95% सिख प्राउड फील करते हैं इंडियन होने में, वहीं 70% का कहना है जो भारत का डिसरिस्पेक्ट करेंगे वो सिख नहीं हो सकते। क्या इसमें भारत का हाथ हो सकता है? प्रमाण हमारे पास कुछ भी नहीं है।
फिर भी अगर हम गौर तलब करें तो भारत की तीन सबसे शक्तिशाली पर्सनालिटीज श्री नरेंद्र मोदी जी, अजीत डोभाल और एस जयशंकर जी ने अपने कुछ वीडियोस में कुछ ऐसी बातें बोली हैं जिसमें बहुत बड़ा संकेत दिया था कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा। मार्च 2023 में यूके दूतावास में तिरंगे का अपमान किया गया, काफी हंगामा किया गया और भारत की एम्बेसी से भी सिक्योरिटी हटा ली गई थी। 19 मार्च को भारत ने भी एक यूके डिप्लोमेट को समन दिया, भारत में भी यूके एम्बेसी से सिक्योरिटी हटा दी गई। फिर एस जयशंकर ये कहते हैं, दिस इज नॉट एन इंडिया व्हिच विल एक्सेप्ट इट्स नेशनल फ्लैग पुल डाउन बाय समबडी इन द कंट्री। वहीं पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में मंदिर में हुई हमले के बारे में ये बात बोली, यह खेद का विषय है कि पिछले कुछ सप्ताहों से ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों की खबरें नियमित रूप से आ रही है। हमारी इन भावनाओं और चिंताओं को मैंने प्रधानमंत्री एल्बेनिजी के समक्ष रखा। ये सारे इंसिडेंट मार्च में हुआ था और तब से लेकर अब तक कई वांटेड खालिस्तानी आतंकी मारे जा चुके हैं और आरोप लग रहा है कि भारत के इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये काम किया है। भारत के तीन शक्तिशाली लोगों के बयान से ये लगता है कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज अब काफी एक्टिव हो चुकी है। इस मुद्दे पर भारत कितना सीरियस है आप इस बात को देखिए। यूके एम्बेसी की फुटेज अब एनआईए को दे दी गई है, एनआईए अब इस पे जांच कर रही है और सभी 45 एक्यूज लोगों का पिक्चर ट्विटर पर सर्कुलेट कर दिया गया है और रिक्वेस्ट किया गया है किसी को भी इनके बारे में एड्रेस मिलता है या फोन नंबर या और भी कोई डिटेल्स तो प्लीज शेयर करें। सरकार के एक्शन बयान और ऐसी स्थिति को देखते हुए ये लगता है कि भारत की एजेंसी ये काम कर सकती है। सर्जिकल एंड एयर स्ट्राइक्स का एग्जांपल लें तो ये काम भारत के लिए बहुत ही आसान हो सकता है। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारें। देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है। इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी देश परमानेंट एनिमी नहीं होता है या परमानेंट फ्रेंड नहीं होता है। हर कोई अपना फायदा देखकर कोई ना कोई कदम उठाता है। इंडिया भी अपने शांत स्ट्रेटजीज के थ्रू कनाडा, यूके और अमेरिका जैसी कंट्रीज से बात करता आया है कि उन्हें खालिस्तान और पाकिस्तान से रिलेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने वाले लोगों को रोकना चाहिए जो भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। लेकिन फिर भी कोई कंट्रीज ने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए कोई कदम नहीं उठाया। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा में रह रहे सिखों की सिंपैथी हासिल करने के लिए इंडिया के साथ अपने रिलेशन खराब कर लिए क्योंकि वहां के सिख भी उनकी पॉलिसी से खुश नजर नहीं आ रहे। लेकिन हरदीप सिंह निज्जर की मौत का कनाडा गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल फायदे के लिए किया गया। बस ऐसे ही हालातों में इंडिया भी अपने रॉ और आईबी एजेंसीज को यूज करके इन सारे लोगों को खत्म कर रही है, इस पे कोई भी गलत बात नहीं है। अब अगर पाकिस्तान में हो रहे किलिंग की बात करें तो मेरे रिसर्च लगता है कि खुद पाकिस्तान करवा रही है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को समझना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का गठन जुलाई 1989 में पेरिस में हुआ था जब G7 समिट हुआ था जिसका मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने हेतु उपाय करना था। इसलिए इसे ग्लोबल फाइनेंशियल वॉचडॉग भी कहते हैं। FATF दुनिया में आतंकवाद को आर्थिक रसद पर नकेल कसने के लिए सर्वोच्च संस्था है। FATF की दो प्रकार की सूचियां होती हैं, ब्लैकलिस्ट और ग्रेलिस्ट। ब्लैकलिस्ट, जो देश आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं उन्हें ब्लैकलिस्ट में सूचीबद्ध किया जाता है। ग्रेलिस्ट, इस लिस्ट में उन देशों को शामिल किया जाता है जो अपने देश के फाइनेंशियल सिस्टम को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज करते हैं। FATF के अनुसार साल 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था और 4 साल के बाद बड़ी राहत देते हुए लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। लेकिन एशिया स्पेसिफिक ग्रुप के एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए FATF के अध्यक्ष ने कहा था, पाकिस्तान के बाहर होने के बावजूद भी FATF के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा नहीं कर पाया है। FATF ने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादियों जैसे हाफिज सैयद और मसूद अजहर के खिलाफ पाकिस्तान बड़े कदम उठाने में नाकाम रहा है। गौरतलब है कि पाकिस्तान ने FATF के लिए 27 सूत्रीय कार्रवाई योजना निर्मित किया था जिसे पाकिस्तान द्वारा लागू किया जाना था। FATF ने पाकिस्तान को स्पष्ट किया था कि उसे सभी नामित आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान को आतंकवाद का वित्त पोषण करने हेतु सख्त कदम उठाना होगा। गौरतलब है कि इससे पहले पाकिस्तान पर FATF द्वारा पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में डालने का खतरा था। विशेषज्ञों के मुताबिक अब पाकिस्तान काफी हद तक FATF की ब्लैकलिस्ट से खतरे से बाहर है। हालांकि पाकिस्तान को अभी भी FATF के काफी सुझावों पर कार्रवाई करना बाकी है। तो क्या FATF के निर्देशानुसार पाकिस्तान को यह फोर्सफुली एक्शन लेना पड़ रहा है? और दूसरे नजर में देखें तो ये आतंकवादी पाकिस्तान के लिए अब यूजफुल नहीं है। इसके दो रीजन, पहले कि अब ये सारे बूढ़े हो रहे हैं जो अब खुद पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा है।
इसकी वजह से पाकिस्तान कई साल FATF में फंस गया था और देश की इकोनॉमी बर्बाद हो गई। अब जब आतंकवादी उनके मालिकों के काम के नहीं रहे हैं तो बूढ़े और बीमार घोड़ों की तरह आतंकवादियों को भी उनके मालिकों द्वारा मारा जा रहा है। और पहले ही आतंकवादी नकली भारतीय करेंसी को छाप कर आतंकी गतिविधियां ही नहीं अपना खर्च भी चलाते थे, लेकिन भारत सरकार ने 8 नवंबर 2016 को भी इसका परमानेंट इलाज कर दिया। नतीजा ये हुआ कि आतंकवादी नहीं इनके आका भी भूखे मरने लगे और बाकी का असर FATF ने निकाल दिया। चलिए एक बार हम मान भी लेते हैं कि इन सब किलिंग के पीछे हमारी एजेंसीज का हाथ है, लेकिन पाकिस्तान ये बता दे कि जेल के भीतर बैठे कैदी को जहर कौन और कैसे दे रहा है। साजिद मीर को तो वहां की सरकार पहले भी मरा हुआ घोषित कर दिया था। The Pakistani authorities have informed Western interlocutors that Lashkar-e-Toyba operative Sajid Mir, one of the key figures behind the 2008 Mumbai attacks, was arrested and sentenced to 8 years in prison earlier this year. उन पर FATF से बाहर आने के लिए कुछ एक्शन लेने का दबाव बना हुआ था। बाद में उसे फिर से जिंदा बताकर जेल में डाला जाता है और किसी ने जेल में उसको जहर दे दिया। अब सुनने में यह भी आ रहा है कि भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम को भी जहर दे दिया गया है, जबकि सभी जानते हैं कि दाऊद के घर को पाकिस्तान द्वारा बहुत ही कड़ी सुरक्षा प्रदान की जाती है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम बहुत मोटा अमाउंट पे करता है पाकिस्तान सरकार को अपनी सुरक्षा के लिए। क्या अब भी कोई कह सकता है कि इन आतंकवादियों को मारे जाने में पाकिस्तान के भीतर के लोग शामिल नहीं है? भारत के लिए आतंकवाद का बीज बोने वाला पाकिस्तान आज खुद मुसीबत में है। आतंकी घटनाएं पाकिस्तान के लिए खुद सिरदर्द बन गई हैं। पाकिस्तान के थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज की सालाना रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में 789 आतंकी हमलों और आतंकी रोधी कार्रवाई के दौरान 1524 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1463 लोगों घायल हुए। रिपोर्ट के अनुसार आतंकी घटनाओं में सबसे अधिक प्रभावित प्रांतों में खैबर पख्तूनख्वा एवं बलूचिस्तान शामिल था। आतंकी घटनाओं के कारण जान गंवाने वालों में से 1000 आम नागरिक शामिल थे और कुछ सुरक्षा बल भी इसमें शामिल थे। अब क्या बोल सकते हैं इसके बारे में? आपकी क्या सोच है? क्या वाकई भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व है या पाकिस्तान की प्रॉपर प्लानिंग अपने इमेज एंड इकोनॉमी को बेटर करने में? कमेंट में बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बड़ा नमस्कार।